हेलो दोस्तों, आज अपन केमिस्ट्री में कुछ बेसिक तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ेंगे। तुल्यांकी भार होता है क्या है, तुल्यांकी भार का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। तो तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट, ठीक, तुल्यांकी भार। अपनों ने इससे पहले अणुभार निकालना देखा था, अणुभार निकालना अपने को याद है, ठीक। तो अणुभार में अपन क्या करेंगे, इसकी संयोजकता से भाग देंगे। अब ये संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है या तो इसमें H प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इनमें से अगर कुछ हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इन सबको ही क्या बोला जाता है, संयोजकता। एंड सीधा सा देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या बोला जाता है, संयोजकता। तो तुल्यांकी भार किसको कहेंगे, अणु भार और संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं, ठीक। इक्विवेलेंट वेट, अणु भार अपन पहले निकाल लिया था, अणु भार में अपन संयोजकता से डिवाइड कर देते हैं, अणु भार को संयोजकता से डिवाइड कर देते हैं, तो जो अपने पास राशि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता हाइड्रोजन आयन, ओ एच माइनस आयन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है। अब ये हाइड्रोजन आयन और ओ एच माइनस आयन, ये कैसे, मान लो कोई अम्ल है तो अम्ल में अपन क्या काउंट करेंगे कि उसमें कितने हाइड्रोजन हैं, क्षार है, क्षार में अपन क्या काउंट करेंगे कि उसके अंदर कितने ओ एच माइनस आयन है ना, जितने ओ एच होंगे उसका अपन क्या करेंगे, अणुभार में भाग दे देंगे। अम्ल होंगे तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजन का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जैसे मान लो ये दे रखा अपने को Cu2+, तो Cu के ऊपर कितने 2+ है, यानी Cu की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे कैसे अपन देखते हैं, मान लो सोडियम, सोडियम पे कितना है, 1+, तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1+, ठीक। तो इस प्रकार पॉजिटिव, या जैसे देखते हैं अपन क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कितना, 1-, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई, 1। और सल्फर पे देखते हैं कितने, 2-, तो ये 2- जो है नेगेटिव आयन है, तो सल्फर की संयोजकता कितनी हुई, 2-। इधर नाइट्रोजन पे देखो 3-, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, 3। सिलिकन पे होता है 4+, तो सिलिकन की संयोजकता कितनी हुई, 4, ठीक। H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है, तो एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इसमें, 2, तो H2SO4 के अणुभार में कितने से डिवाइड करेंगे अपन, 2 से। तो अपने अब यहाँ से अणुभार क्या, तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार अणुभार और संयोजकता के अनुपात को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार बोलते हैं, और अलग अलग जगह इसका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक। तो संयोजकता क्या होती है, पॉजिटिव एच प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, ये इनको क्या बोला जाता है, संयोजकता। अब अपन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले लिया H2SO4, ठीक, इसका अपनों क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो H2SO4 को क्या किए, सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा ही था अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो इसको तोड़ेंगे, 2 H+S+4O। हाइड्रोजन 2 थे, इसको लिख दिया अपना 2×H। सल्फर 1 था इसलिए S। ऑक्सीजन 4 है तो 4O। यानी अगर जिनके पैरों में अगर कुछ लिखा है तो उनके साथ अपन इंटू करेंगे, बाकी सबको क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। तो 2+32+64 टोटल होके कितने हो जाएंगे, 98। अब यहाँ पर ये क्या है अपने पास, अणुभार। अब अपनों क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। अणुभार कितना है, 98। अब ये क्या है, एसिड है, और अपनों ने बोला था क्या कि अम्ल में अपन क्या कंसिडर करेंगे, अम्ल में अपन देखेंगे क्या H+ आयन कितने हैं।
तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो इसको दो से डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड करने पर कितना आया, 49। ठीक, आ गया समझ में। ऐसे जैसा एक उदाहरण और देखते हैं अपन, H3PO4। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार के लिए क्या करेंगे अपन, 3 × H + P + 4 × O, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, तो 3 + 31 + 16 = 64। तो कितने हो गए, 6 × 3 = 9 9 95 95 98। ठीक, ये आया क्या अपने पास अणुभार। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अणुभार कितना आया, 98। संयोजकता है क्या है, ये भी एसिड है। एसिड और बेस कैसे मालूम करेंगे, जिसके आगे एच हो 90% केसेस में वो क्या होंगे, एसिड। बाकी और अपन बताएंगे आगे के दूसरे कौन से एसिड हो सकते हैं। तो बाकी अपन ये ध्यान रखना अपने को क्या, कि जहाँ पर आगे हाइड्रोजन एड हुआ है, हाइड्रोजन है, वहाँ पर अपन को क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, ये इसका क्या हो गया, अणुभार आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, तुल्यांकी भार आ गया। ठीक, अब अपन ये तो हो गए एसिड, अब अपन देखते हैं क्या, बेस। ठीक, बेस में अपन क्या काउंट करते हैं, बेस में अपन काउंट करते हैं क्या, OH-। तो जैसे एक एग्जांपल लिया अपनों ने NaOH, इसका अपनों को तुल्यांकी भार निकालना, तो अणुभार में Na+O+H, Na कितना है, 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, टोटल 14। ठीक, 40, और 40 तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपने को निकालना, इक्विवेलेंट वेट क्या है, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, संयोजकता, वैलेंसी कितनी है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 40। ठीक, ऐसे कैसे इसको देखते हैं, CaOH2, ये अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तोड़ेंगे, कैल्शियम प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर दो है, तो ये दो बाहर लिखा, इनटू ब्रैकेट के अंदर O+H कर दिया। ठीक, कैल्शियम का कितना, 40, दो ऐसा कैसा, ऑक्सीजन का 16+1, 40, 16 और 1 17, 40+ कितने हो गए, 34। अगर इस टाइप से हो तो अपना कौन सा रूल देखना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का की के हो तो वो, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एड, एडिशन, और लास्ट में क्या करते हैं, सब्स्ट्रैक्शन। ठीक, तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा, प्लस है और इनटू है, तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा एडिशन। तो 40 + 34 कितने हो गए, 74। तो ये क्या आया, इसका अणुभार आया। अब तुल्यांकी भार निकालना अपने को, तो क्या करेंगे, EQ वेट, अणुभार 74, इसमें नंबर ऑफ क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के OH- आयन, क्योंकि ये क्या है, बेस, और बेस का कैसे मालूम करेंगे कि ये क्षार है, तो क्षार में पीछे क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होता है, तो पीछे OH जुड़ा है तो वो क्षार है, और यहाँ OH की संख्या कितनी है अपने पास, दो, तो इसको दो से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 37। और देखते हैं अपन एग्जांपल एक दो, ये हो गया बेस की बात। अब जैसे Ca2+, यहाँ पे क्या आ गया अपने, हो गया अम्ल, हो गया क्षार, हो गया। अब ये क्या आया, जिसके ऊपर प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव आयन आ गए। पॉजिटिव आयन में अपन क्या देखते हैं, पॉजिटिव आयन की संख्या, तो इक्विवेलेंट वेट, ये तो इजी है, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है, अणु परमाणु भार 40, आयनों की संख्या कितनी है, दो, दो से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 20। C4+, ठीक,
इसका निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार 12, कितने से डिवाइड करेंगे, जितने प्लस से या माइनस से, यहाँ पर अपन प्लस की बात करें, प्लस आया नहीं तो प्लस से डिवाइड करेंगे कितना, इक्विवेलेंट वेलेंट वेट 3 आया। ठीक, अब अपन क्या अगला कौन सा देखते हैं, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जैसे S2-। ठीक, अब डायरेक्ट इसमें भी इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। सल्फर का कितना होता है, परमाणु भार 32, कितने माइनस से, इस पर 2, नेगेटिव आयन को देखना है तो नेगेटिव आयन 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16। नाइट्रोजन 3-। अगला क्वेश्चन N3-, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, कितने माइनस, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक, तो अपनों ने अम्ल के लिए H को कंसिडर करेंगे, क्षार के लिए OH- पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या को कंसिडर करके चलेंगे। अब कुछ ऐसे जिसमें ना तो H+ और ना OH- और अपनों पॉजिटिव नेगेटिव आयन का मालूम ना पड़े, कौन सा एग्जाम्पल, जैसे Na2CO3। ठीक, इसमें अपनों क्या करना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो सबसे पहले अणु भार 2 Na प्लस C3 O, ये तोड़ दिया, सोडियम का 23, कार्बन का 16, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12, 3 × 16। ठीक, ये हो गए 46 प्लस 12 प्लस 48, कितने 106। ठीक, ये क्या है अपने पास, 106 अणु भार। ठीक, अब अपने क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो अणु भार 106, अब इसमें कितने का भाग लगाएंगे, यहाँ ना तो H+ है ना OH- है, ना पॉजिटिव आयन दिख रहा है ना नेगेटिव आयन दिख रहा है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है पर अपने को इसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, इसको क्या बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन पे कितने 2- होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपन नेगेटिव आयन को कंसिडर, हमेशा नेगेटिव आयन को लेके चलेंगे तो अपने क्वेश्चन जो होंगे वो गलत नहीं होंगे। ठीक, तो कार्बोनेट आयन पे कितने हैं 2-, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आया 53। एक इसकी सिंपल ट्रिक और है कि जो आगे वाला है उसके पैरों में यहाँ पर देख लेंगे, उसके पैरों में जितना लिखा हुआ होगा वो उसका क्या होगा, प्लस या माइनस आयन की संख्या होगी। ठीक, पर ये हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे मान लो अपनों ने लिखा है FeSO4, अब यहाँ पे इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब पैरों में कुछ नहीं लिखा है तो हम एक मान लेंगे, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आयरन की और सल्फेट में किसी की भी संयोजकता एक नहीं होती। तो फिर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो सबसे पहले इसका अणु भार निकालते हैं, Fe का 56, सल्फर का 32, इसका 16, ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12, 8 और 6 14 और 15, 152। ये क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट आया। अपनों क्या निकालना, वही इक्विवेलेंट वेट, अणु भार 152। अब यहाँ पर अपनों ने पढ़ा है SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, और इसके ऊपर कितना होता है 2-, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए अपनों ने एक वीडियो पहले बना दी है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको किस पे कितना चार्ज है वो पता पड़ जाएगा। तो SO4 सल्फेट आयन पे कितने 2- होते हैं, तो इसको कैसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका 76। इस टाइप से अपन इनके इक्विवेलेंट वेट को ज्ञात कर सकते हैं। और सूत्र क्या है इक्विवेलेंट वेट को ज्ञात करने का, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, H+ OH- पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। अब कुछ जो मैं कह रहा था कि अम्ल और क्षार के बारे में कैसे पता पड़ेगा, ठीक, तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं,
उन ऑर्गेनिक एसिड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में एच कहाँ आता है, आगे आता है। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3, COOH, फिर HCOOH, COOH, COOH, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड कौन सा, डिहाइड्रेट, यानी जिसमें पानी नहीं है। और एक होता है COOH, COOH डॉट 2H2O, ये भी क्या है, ये तो ऑक्जेलिक एसिड, और कौन सा है, हाइड्रेट, यानी जिसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक, जिसके पीछे एक तो क्या मिले अपने को, COOH मिले। ठीक, वो COOH वाले जितने भी होंगे वो सब ऑर्गेनिक एसिड है, और इन ऑर्गेनिक एसिड में अपनों को क्या देखना है, पीछे की साइड के हाइड्रोजन देखना है। ठीक, तो एक दो इसके करके देखते हैं अपन। जैसे पहला लिया अपनों ने CH3 COOH। ठीक, तो पहले इसका क्या निकालेंगे, अणु भार C+3 × H + C+O + O + H, तो 12+3 × 1 + 12+16+16+1, 12+3 + 12+16+16+1, टोटल कितने हो गए, 60। तो मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार कितना आया, 60। अब अपने को निकालना है क्या, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार के लिए क्या आता है, ऊपर 60, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है, क्यों, क्योंकि एसिड है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने होंगे, हाँ अपनों को अगर अपन इन तीन और एक ये हाइड्रोजन टोटल मिला के अगर चार गिनते हैं तो ये अपना पूरा गलत होगा। क्यों, क्योंकि उन्हीं हाइड्रोजन को गिना जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, उन्हीं हाइड्रोजन को गिना जाता है जो ऑक्सीजन से बिल्कुल पास में जुड़े हुए हो, या उनके पास में बिल्कुल जस्ट पास में ऑक्सीजन हो। यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो ना तो इधर ऑक्सीजन है ना इधर ऑक्सीजन है, पर इस हाइड्रोजन को देखा जाए तो इधर की इसके इधर क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने गिनेंगे, एक। अपना इसका मोलिकुलर वेट कितना आया, इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 60, और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आया, 60। ठीक, अगला देखते हैं अपन कौन सा, ये वाला ऑक्जेलिक एसिड COOH, COOH। ठीक, तो अगर कंफ्यूज नहीं होना, अगर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा कोई सूत्र होता है तो उसको देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, उसको टुकड़े टुकड़े में करना। ऊपर वाले को देख लेते हैं, C+O+O+H, नीचे भी C+O+O+H, तो ये दोनों एक जैसे, किसी भी एक का काउंट कर लेंगे, 12+16+16+1, टोटल गिनेंगे कितने, 45। तो नीचे वाले के कितने होंगे, 45, 45 और 45, क्यों, दोनों को जोड़ना है क्योंकि जुड़ा हुआ है, कितने हो गए टोटल, 90। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट आया इसका कितना, 90। अब इसका निकालना अपने को इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, अणु भार 90। अब इसमें क्या देखेंगे अपन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा देखेंगे, जो ऑक्सीजन के जस्ट पास में, ये हाइड्रोजन देखें तो ऑक्सीजन के पास में, ये वाला हाइड्रोजन देखें तो ऑक्सीजन के पास में, यानी दो हाइड्रोजन यहाँ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के जस्ट पास में है। तो यहाँ पर कितने का भाग लगाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर, दो, तो दो से डिवाइड करेंगे कितना आया, 45। ठीक, एक ये वाला अपनों ने क्वेश्चन में दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 2H2। आप चाहो तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, H2C2O4.2H2, ये बात एक ही है। ठीक, इसका अपन मोलिकुलर वेट निकालते हैं, 2 × C + 4 × O। ठीक, डॉट है ये पूरा प्लस, अब दो बाहर की साइड है
तो दो को बाहर रखते हैं अंदर, टू इंटू एच प्लस ओ, ठीक। तो दो गुणित एक प्लस दो गुणित बारह प्लस चार गुणित सोलह प्लस दो, दो गुणित एक प्लस कितना हो गया सोलह, ठीक। ये दो प्लस चौबीस प्लस चौंसठ प्लस दो, ऐसे कैसे अंदर कितने दो प्लस सोलह, तो ये कितने हो गए इधर नब्बे प्लस दो गुणित अट्ठारह, ठीक। इधर कर देता हूँ नब्बे प्लस छत्तीस, तो टोटल कितने हो गए एक सौ छब्बीस। ये क्या है अपने पास मोलिकुलर वेट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो नब्बे और छत्तीस कितने हुए एक सौ छब्बीस, तो एक सौ छब्बीस। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं, तो अब इसमें कितने, ये ऑक्सीजन के पास वाला, ये भी ऑक्सीजन के पास वाला, यहाँ देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के पास वाला, तो इस हिसाब से कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो रहे चार के छः के दो कितने होंगे। अगर किसी ने बोला छः हो रहे हैं, चार और दो छः, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर अपन कहे कि चार हो रहे हैं तो वो भी क्या है बिल्कुल गलत। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, जो ऑक्सी हाइड्रोजन होंगे वो कितने हैं एक और एक दो, ठीक। तो इसका कितना आएगा 53। अब कुछ का क्वेश्चन होगा कि ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं गिना, ये तो ये भी क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में है। तो H2O पानी क्या होता है, पानी न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल चीज़ पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज H2O का पूरा क्या हो गया ज़ीरो हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि H2O में अपन ने देखा होगा कि इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस निकलेगा, यानी प्लस वन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया ज़ीरो। तो H2O न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसके हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। कौन से हाइड्रोजन को काउंट किया अपनों ने, जो COOH में हाइड्रो ऑक्सीजन के जस्ट पास में है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहाँ पर ये कन्फ्यूज़न था वो अब क्लियर हो चुका होगा। अपने को इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट में किसका संयोजकता का, वैलेंसी का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो संयोजकता है वैलेंसी का भाग लगा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। संयोजकता क्या होगी, एच प्लस ओ एच माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। और एक अपनी ट्रिक का क्या देखेंगे आगे वाले के पैरों में, आगे वाले एलिमेंट के पैर में जो भी लिखा होगा उसका अपन भाग दे सकते हैं। पर ये 90% केस में ये ट्रिक काम करेगी, बाकी 10% में जहाँ पर संयोजकता पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सेम होती है वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वहाँ को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किसका एलिमेंट पे कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।